उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना और पढ़ा कि मेरे बारे में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष उल्लेख किया है, तो फिर मुझे अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया। शोर शराबे में उनके शब्द सभी सदस्यों ने स्पष्टता सुने या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता था कि चलते चलते मेरा उल्लेख हो रहा है, लेकिन जब बाद में मैंने पूरा भाषण पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चलते चलते नहीं है, ये छपते छपते भी नहीं है, ये पूरी तरह से सोच विचार करके भाषण दिया गया है। मैं उद्धृत कर रहा हूं उनके शब्दों को, द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेदर इट्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और टू सकम टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ हिज पार्टी एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब है इसका? प्लीज श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते मेरे प्राथमिक कर्तव्य की याद दिलाई है, प्राइमरी ड्यूटी। जैसे और कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार के दबाव में आना या नहीं आना, अपना कर्तव्य पूरा करना या नहीं करना, और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी उनकी यही है कि मैं कहीं अन्य संबंधित संगठनों के दबाव में तो नहीं आ रहा। यह हमारा जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूं, और जब तक लोग मुझे चाहते हैं मैं रहूंगा। लेकिन अब मेरे बारे में इतनी रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? फिर आगे सवाल देखिए, विल ही बी सबमिसिव एंड वीक इन हिज लीडरशिप और विल ही अपहोल्ड द प्रेस्टीज ऑफ द हाई ऑफिस ही होल्ड्स? इसके पीछे क्या भावनाएं? ये कहने का मतलब क्या? ये मेरे ऊपर आरोप है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, गलत है। मैं किसी के उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। पार्लियामेंट का जीवन इस बात का साक्षी है।
मैं अभी पढ़ रहा था 1961 में संयुक्त बैठक में मैंने जो भाषण दिया था मैं उसको पढ़ रहा था। वो दहेज के सवाल पर संयुक्त बैठक हुई थी और मैंने उस समय दहेज का विरोध किया था। मुझे बाद में सुनना पड़ा चर्चा में कि आप तो पुरातनवादी हैं, परंपरावादी हैं, या दहेज का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये 1961 की बात है। 1957 में मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया, प्रतिपक्ष की ओर से चुना गया। अगर मैं दबाव का काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। दबाव में काम करने का मतलब है किसके दबाव में। आपको बड़ी चिंता हो रही है मैं किसी के दबाव में न रहूं। अभी तो कहा जा रहा है कि हम परिवार के दबाव में, हमारे वामपंथी सदस्य कहते हैं कि हम अमेरिका या विदेशी शक्तियों के दबाव में हैं। तो अगर हम दबाव में हैं और दबाव में काम करते हैं तो फिर मेरा दल और मेरे मित्र दल मेरा समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसका औचित्य क्या है। वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। मुझे रोका था जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की यही 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। चालीस साल तक इन्हें क्यों बेचैनी हो रही है। मुझे टोकने का मतलब क्या है। आपको सच बात सुनना कड़वी लगती है। इसके आगे देखिए, हिज मोमेंट, मेरा हिज मोमेंट ऑफ रेकनिंग हैज कम। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है। मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका। मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी
राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या अधिकार है? Please.